नमस्कार दोस्तों, दिलीप जोशी ऑलराउंडर व्लॉग्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज एक बात करना चाहूँगा कि अहंकार कभी ना करें। एक छोटा सा कंकर भी मुंह में गया तो गया हुआ निवाला बाहर निकाल देता है। अक्सर अभिमान तब आता है जब हमें लगता है कि हमने कुछ किया है। सम्मान तभी मिलता है जब दुनिया को लगता है कि आपने कुछ किया है। मज़ा आया। प्रभु जो कभी किसी का भाग्य नहीं लिखते, जीवन में हर कदम पर हमारी सोच, हमारा व्यवहार और हमारा कर्म ही हमारा भाग्य लिखते हैं। इंसान के परिचय की शुरुआत भले ही चेहरे से होती हो, लेकिन उसकी संपूर्ण पहचान तो उसकी वाणी से ही होती है। इस दुनिया में सिर्फ माँ बाप का ही प्यार है जो मुफ्त में मिलता है। दोस्तों, उसके बाद दुनिया में हर रिश्ते के लिए कुछ ना कुछ चुकाना पड़ता है। आप दूसरों की परेशानी का आनंद ना लें। दोस्तों, आप दूसरों की परेशानी का आनंद ना लें, कहीं भगवान आपको वह गिफ्ट ना कर दे। ओह माय गॉड, वाओ। क्योंकि भगवान जी हमेशा वही देते हैं जिससे आपको आनंद मिलता है। एक शतरंज का नियम बहुत ही उम्दा है कि चाल कोई भी चलो पर अपने को नहीं मार सकते। जीवन में अच्छा जरूर बने, लेकिन साबित करने की कोशिश ना करें। बस सीधी सी बात है, इंसान के पास किसी को कुछ देने के लिए हैसियत नहीं, नीयत होनी चाहिए। दोस्तों, इस समय मैं खड़ा हूँ कांकानी जोधपुर से तकरीबन 20 किलोमीटर बाहर। पाली जा रहा हूँ कोई विशेष काम से और लंच के लिए रुके हैं श्री शक्ति रेस्टोरेंट। यहाँ का खाना बिल्कुल देसी स्टाइल में। देखो दोस्तों, गरम गरम चपाती बन रही है। अब मेरे को तो खाना कड़ी सोख रही और अभी देखते हैं अंदर मेनू क्या क्या है। खाने के टेबल पे बैठ गए, मेरे ड्राइवर साहब हैं। हाय करो। हाय हाय गणेश जी। हाँ, तो भोजन कर रहे हैं, मजे ले रहे हैं यार। भोजन तो आप करेंगे, गणेश जी तो कह रहे भोजन कर रहे हैं। आप देखते हैं क्या क्या आप बनाए। ये देखे दोस्तों, सेब की सब्जी, दही कड़ी और मिर्ची का कूटा। अपने आप सर्व करो, अपने आप लो, अपने आप खाओ। परफेक्ट थाली सिस्टम, देसी खाना। ये देखिए दोस्तों, बाजरी की रोटी, इसको सोखरा बोलते हैं, और ये कड़ी, शानदार देसी खाना है। गणेश जी तो ऐसे चूर के खाएंगे, युगल भी चूर के खाएगा, हम आपका आपका खाएंगे। राजेश भैया ने घी नहीं लिया है, क्यों भाई? सर मैं घी खाता नहीं हूँ। तो सूखा खाओगे इसको, मारवाड़ी में कहवा लुकी रोटी। तो दोस्तों, खाना खाया, सोगरा और कड़ी देखा आपने, बहुत स्वादिष्ट और सुंदर। शिव शक्ति रेस्टोरेंट कांकानी, मैं परिचय कराता हूँ आपको। शिव शक्ति रेस्टोरेंट के मालिक है, घर में तो हम इनको बड़े प्यार से पप्सा बोलते हैं, और लक्ष्मण सिंह जी राठौर साहब इनका ये पूरा सेटअप किया हुआ है, और बहुत प्रेम से और राजपूती स्टाइल में। कहते हैं ना, मान मनवा राजपूतों की, तो राजपूती स्टाइल के अंदर बहुत ही अच्छा, और इनका स्टाफ भी बहुत अच्छा है। लक्ष्मण सिंह जी, मेरे दोस्तों को हाई करो पहले तो। हेलो सर, यहाँ पर आप आओ, टेस्ट बहुत अच्छा है, देसी है सारा खाना, बिल्कुल देसी मिलेगा, एक बार आप आके देखो। कितने सालों से है ये? 10-12 साल से सर। तो दोस्तों, लक्ष्मण सिंह जी ने बताया 10-12 साल से है, और मैं तो आता जाता रहता हूँ, खाता रहता हूँ। आज सोगरा और कड़ी लाजवाब, मेरे दोस्त आए हुए थे पाली में, कोई डील में जा रहा हूँ तो कोई प्रॉपर्टी देखनी है, तो भूख लग रही थी तो प्लान किया हुआ था कि कांकानी में खाना खाएंगे। चलते दोस्तों पाली, बाय। दोस्तों, ये है पगड़ी रेस्टोरेंट, बहुत अच्छा रिसोर्ट है पाली का, इंटरनेशनल प्रथम है।
होटल सिद्धार्थ इंटरनेशनल जो पाली की अनाज मंडी है, ये पाली के अंदर हाउसिंग बोर्ड एरिया में शिरडी साईं बाबा का मंदिर है, साईं धाम। दोस्तों ये है उम्मेद मिल। जब पाली के अंदर काल पड़ा था तो जोधपुर के महाराजा उमेद सिंह जी ने यहाँ पे एक मिल का निर्माण किया, जहाँ पे आज भी बहुत अच्छे कपड़े सूती कपड़े और इनकी ये देखो महाराजा श्री उमेद मिल्स पाली। तो जोधपुर हिजाइनर्स ने यहाँ पे ये एस्टेब्लिशमेंट किया था 1934 में। ये देखो ये इतनी लंबी मिल है और पीछे भी काफ़ी दूर तक फैली हुई है। ये पाली रेलवे स्टेशन का चौराया, महापुरुषों की मूर्ति इन्हें ठेठ तक पार्क न लीजो, डायनासोर आगे बहुत तगड़ो बने। ये है शहीद उद्यान, देखिए दोस्तों ये लाखोटिया तालाब, आपने पाली के सिंगोड़े का नाम सुना होगा, तो यहीं से वो आते हैं बरसात के सीजन में। अभी तो पूरा तालाब सूखा हुआ नजर आ रहा है। है रशिया की तोप और दोस्तों पहुंच गए हम पाली। जो इम्पोर्टेंट काम पाली के लिए आए थे वो ये रहा पीछे। आज इच्छा थी गुलाब हलवा खाने की, तो जोधपुर से हम पाली आए गुलाब हलवा खाने के लिए। पाली का सबसे प्रसिद्ध हलवा है गुलाब हलवा। अंदर चलते हलवा पैक कराते हैं। मावे को सेक कर मावे को पिंक कर दिया जाता है, जिसका नाम है गुलाब हलवा। ये सिर्फ पाली में ही बनता है और ये सबसे पुरानी दुकान पाली की, जहाँ पर इस समय हम खड़े हुए हैं और हलवा पैक करवा रहे हैं। ये देखिए ये तमाम तरीके की वैरायटीज हैं। मैं आपको परिचय करवाता हूँ। सर शुभ नाम आपका? मनीष पुरी। मनीष जी सर सबसे पुराने पड़ते हैं, कितने साल पुराने आप ना? अपने लगभग 40 सालों से हैं। 40 सालों से हैं। तो हमारे फैंस को हाई कीजिए। हाई सर। और इनको इन्वाइट कीजिए पाली आके। सर पधारो कभी, हमारा भी गुलाब हलवा आके देखो, आप टेस्ट करो कैसा है कैसा नहीं। जब पधारो इधर तो आना जरूर। देखा दोस्तों, ऑनर ने खुद आप लोगों को सबको कहा है पधारना है तो पाली कभी भी आए तो अम्बेडकर सर्किल हॉस्पिटल के पास में ये गुलाब हलवा वाला किसी को पूछ लो, कोई भी बना देगा। अब अपन चलते जोधपुर की तरफ। दोस्तों हम पाली से रवाना हुए, अब चल रहे हैं अपन जोधपुर की तरफ। बीच में आएगा रोहित, रोहित की प्रसिद्ध कचौरी खानी है और फिर सीधा जोधपुर के लिए। हलवा ले लिया अपन ने और बहुत अच्छा हलवा है, कभी भी आए तो यहाँ पे जरूर खाएं। तो दोस्तों गुलाब हलवा वहाँ से हमने कलाकंद लिया, मिठाई ली। अब हम आ गए हैं जोदाना स्वीट। जोदाना स्वीट की भी बहुत सारी चीज़ें प्रसिद्ध है। ये देखिए गरम गरम इमरती बन रही है, इमरती। और चूँकि नाम जोदाना स्वीट है इसलिए जोधपुर के मिर्ची बड़े, ये देखिए समोसा एंड कचौरी जोधाना के नाम से है, यानी जोधपुर के नाम से है। तो गुलाब हलवा ले लिया, अब यहाँ से भी राजेश भैया उनको कुछ मिठाई लेनी है तो वो अंदर गए, अपन चलते हैं। तो दोस्तों राजेश जी को लेना था कलाकंद सफ़ेद वाला, अपन ने लिया गुलाब हलवा ब्राउन वाला। ये देखिए ये कलाकंद, बहुत ही अल्टीमेट चीज़ है यहाँ की पाली की, और लेने के लिए जोधपुर से आया हूँ मैं। दोस्तों नाम भी जोधाना स्वीट है तो जोधपुर के थोड़ी बहुत पक्ष रखेंगे ये, लेकिन बहुत ही शानदार, मैंने भी बहुत नाम सुना। मैं पहली बार ही आया हूँ यहाँ पे
और ये देखिए कितना बड़ा शोरूम है। तो कलाकंद लिया है, थोड़े नमकीन लिया है, अब कुछ और प्लान बनाते हैं, फिर चलते जोधपुर। ये है नेपाल सिंह जी, यहाँ के ऑनर, सब कुछ प्रेमी है, ऑनर ऑनर सब है। ये कहते हैं पाली के सब लोग ऑनर है यहाँ के। तो क्या चीज़ें मिलती है अपने यहाँ गोपाल सिंह जी? पाली की जो भी प्रसिद्ध चीज़ें है, गुलाब वालों अपना स्पेशल है, बढ़िया देसी घी में कलाकंद स्पेशल, गुलाब जामुन और अपने यहाँ सक्की देसी घी की ऑल वेराइटी अपनी फेमस, मिल्क वगैरह मिल्क प्रोडक्ट्स वगैरह सब अपना स्वयं का है। दोस्तों को जगह का नाम बताएं। जोधाना स्वीट अहिंसा सर्कल पाली, अहिंसा सर्किल पाली। ये मेरे ख्याल से कोर्ट परिसर के बाहर ही है, हाँ सेशन कोर्ट के बाहर। ओके दोस्तों, तो दोस्तों कलाकंद पैक हो गया, युगल ने भी पैक कर लिया, राजू भैया ने भी पैक कर लिया, अब अपन चलेंगे जोधपुर। ये दोस्तों रेस्टोरेंट के अंदर कितनी साफ सफाई की व्यवस्था, ये देखो इनका नाम पूछा मैंने, लाला भाई है, आपका क्या नाम है? राहुल। ये भी है ना, मैं आया जब से देख रहा हूँ बड़ी साफ सफाई रख रहे हैं। तो जोधाना स्वीट के अंदर साफ सफाई भी बहुत अच्छी है और हाई हाइजेनिक। दोस्तों मैंने लिया गुलाब हलवे से, राजू भैया ने लिया जोधाना स्वीट से, अब युगल लेगा मुकुंद स्वीट से, उसको यहाँ की मिठाई अच्छी लगती है। तो पाली का ये शोरूम है मिठाइयों का, मुकुंद शोरूम, आगे चलते हैं। लिस्ट देखते हैं, मिर्ची बड़ा भी है, मोगर कचौरी, ये तो है सब नमकीन के, देखिए स्पेशल ठोर है, सब मिठाइयाँ हैं, अच्छे बढ़ गए, स्पेशल चक्की, गुलाब हलवा यहाँ पे भी है। तो दोस्तों नमकीन भी बहुत अच्छी है और बता रहे हैं कि यहाँ का ठोर और गुलाब हलवा बहुत अच्छा है। तो युगल पैक करवा रहे हैं करके और फिर जोधपुर चलते हैं। दोस्तों एक नई वैरायटी देखने को मिली है, ये है गुलकंद सरप्राइज। किस चीज़ से बना हुआ है ये? काजू, गुलकंद और ड्राई फ्रूट और चॉकलेट। अच्छा, मोकन स्वीट ऑफ कब से है? छः सालों से। क्या स्पेशल वैरायटीज क्या आपके पास? सब चीज़ मिलती है, ड्राई फ्रूट बंगाली हर चीज़ मिलती है। अच्छा, ये क्या चीज़ है? गुंजा पेटा। और क्या क्या मिठाई है? हर चीज़ की है, बंगाली है, ड्राई फ्रूट है, मावा है। दोस्तों युगल है ना अच्छी जगह पे छाट के लाया, तो यहाँ की भी बहुत अच्छी वैरायटी देखी है अपना। शुभ नाम आपका? अंकित मलोटा। अंकित जी मलोटा बलोटा अंकित जी बलोटा ये यहाँ के होटल है और देखा हमने, बहुत अच्छा लगा शोरूम। अब अपन चलते हैं जोधपुर की तरफ। अब हम चल रहे हैं जोधपुर की तरफ। दोस्तों चलते हैं जोधपुर। रोग है लगा हुआ जो लिखता हर बात पे, मिलूंगा मैं मरा हुआ नशेड़ियों के साथ में, उस रात में मौजूद था जो तेरा है वजूद, बेटे नाचते हैं तेरे जैसे लड़के मेरे।